हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा आज जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है हमारा, हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लास क्या रहेगी, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट बात आती है बेटा, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है वो होते ही क्या है। तो हम बात करें किसकी, हेलो एल्केन्स की। किसकी बात करें बेटा, हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स क्या होंगे, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होंगे, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। मतलब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, वो भी क्या है, एल्केन। क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, वो क्या है, एल्केन। जैसे कि CH3CH3 इथेन है। अब हमें क्या करना है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे किससे, हेलोजन से। किससे बेटा, हेलोजन से। क्या बन जाएगा, CH3CH2X। समझ में आया इतना, आया ना। तो जो हेलो एल्केन्स है वो क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होंगे बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अगर हम बात करें हेलो एरिन्स की, किसकी बात करें बेटा, हेलो एरिन्स की। अब दो चीजें आती है बेटा, हेलो एरिन्स भी क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे क्या था, एल्केन था, ये क्या हो जाएंगे, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसके हो जाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उनके क्या हो जाएंगे, ये डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स। जैसे कि अगर हम बात करें बेंजीन है, इसका हम एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस कर दे बेटा, क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स। क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या हो गए, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, और हेलो एरिन्स क्या हो गए बेटा, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, कर लोगे। अब एक बात आती है बेटा कि हमें सिंपली ये पूछ ले कि जो हेलो एल्केन है और हेलो एरिन्स है, ये दोनों एक साथ पूछ ले कलेक्टिवली कि ये होते ही क्या है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होंगे, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होते बेटा, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये क्लासिफाई करते हैं हम किस में इनको, हेलो एल्केन्स में और हेलो एरिन्स में। किसमें क्लासिफाई करते हैं हम इनको, हेलो एल्केन्स में और हेलो एरिन्स में। दूसरा अगर हम बात करें, हम पढ़ेंगे बेटा एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, जिनको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या आएगा, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइन्स। ठीक है, एलिफेटिक में क्या आएगा बेटा, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन, हमारे पास दो टाइप के होते, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते बेटा, एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
एलिफैटिक में क्या आ जाएगा? हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइंस, और एरोमेटिक में क्या आ जाएगा? हेलो एरिन्स। इना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा जो हमारा स्टार्टिंग में टॉपिक है वो है हमारा हेलो एल्केन्स। क्या पढ़ेंगे हम? हेलो एल्केन्स। इसकी बात करें बेटा हम हेलो एल्केन्स। अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें, फर्स्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्या होता है? जो जनरल फॉर्मूला होता है हेलो एल्केन्स का, वो क्या होता है बेटा? आर एक्स। आर क्या होता है? कोई भी एल्काइल ग्रुप। आर क्या होता है बेटा? कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स। ठीक है, एक्स क्या हो सकता है? क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो और आयोडीन। सिंपली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या हो सकता है? एक्स। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आर एक्स या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स। ठीक है, अब आता है बेटा जो हेलो एल्केन्स है उनका क्लासिफिकेशन। अब ये जरूरी नहीं कि जो हेलो एल्केन्स है उसमें एक ही हेलोजन एटम है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है किसका बेटा? हेलो एल्केन्स का। किसका? हेलो एल्केन्स का। वो आता है बेटा किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे आएगा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, किसका? हेलो एल्केन्स का। तो ये क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बात करें, फर्स्ट आता है बेटा मोनो हेलो एल्केन्स, सेकंड आता है डाई हेलो एल्केन्स, थर्ड आता है बेटा ट्राई हेलो एल्केन्स और फोर्थ आता है बेटा टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, साथ में अंडरस्टूड रखना इसके साथ क्या है? हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई ट्राई टेट्रा। अगर हम बात करें मोनो हेलो एल्केन्स की, किसकी बात करें बेटा? मोनो हेलो एल्केन्स की। तो मोनो हेलो एल्केन्स में होगा क्या? जिन हेलो एल्केन्स में ओनली वन हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, हेलो एल्केन्स में क्या होगा? ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें CH3Cl, CH3CH2Cl, यहां पे क्या है बेटा? एक ही हेलोजन एटम है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें डाई हेलो एल्केन्स को, इसको क्या बोलेंगे बेटा? CH2Cl2 कोमा CH3CH और Cl2। ठीक है, ये क्या हो गए? डाई हेलो एल्केन्स। ट्राई में क्या होगा? थ्री हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं डायरेक्ट एक बार। और चार में क्या होगा? फोर हेलोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम कोई हमसे कहे कि जो मोनो हेलो एल्केन्स नहीं सॉरी हेलो एल्केन्स है उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर हेलो एल्केन्स में ओनली वन हेलोजन एटम है तो जो हेलो एल्केन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन्स। अगर दो हेलोजन एटम है तो उसको बोलेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन और चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन्स। इतना समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा मोनो हेलो एल्केन्स। क्या आएगा बेटा? मोनो हेलो एल्केन्स। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं उनकी नेमिंग या फिर उनके क्लासिफिकेशन। मोनो हेलो एल्केन्स का क्या पढ़ेंगे? नेमिंग और उनके क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो ये मोनो हेलो एल्केन है इनको हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर ऑल्सो नोन एज
दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड आर एक्स से क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट. ठीक है, जैसे कि हमारे पास है CH3Cl, CH3CH2Br. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, मोनो हेलो एल्केन्स. ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं. मोनो हेलो एल्केन्स की बात करें तो ध्यान क्या रखना है, मोनो हेलो एल्केन्स में क्या होगा, ओनली वन हेलोजन एटम होगा. इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं. रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, आर एक्स से. ये जनरल एग्जांपल है. तो जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं वो भी क्या होते बेटा, तीन टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप. ठीक है, वैसे कई जगह तो बेटा चार टाइप के देखने को मिलेगा, चार टाइप के भी मोनो हेलो एल्केन होते हैं, तीन टाइप के. तो अगर हम सिंपली देखें, थ्री टाइप ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स, थ्री टाइप कौन कौन से होंगे. फर्स्ट आता है बेटा प्राइमरी, सेकंड आता है सेकेंडरी, और थर्ड आता है बेटा टर्शियरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अगर हम बात करें प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्शियरी हेलो एल्केन, तो होता क्या है, कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ध्यान ये रखना है जिस कार्बन के साथ हेलोजन हमारा अटैच है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन हमारा अटैच है, ये कार्बन. अगर ये कार्बन फर्दर किसी सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, जैसे कि CH3, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, ठीक है, वो कार्बन फर्दर किन्हे कार्बन से अटैच हो बेटा, ओनली वन कार्बन से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन्स. जैसे कि CH3CH2CH2Br. अब हेलोजन किस कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है. अगर इससे अटैच है, ये कार्बन फर्दर किन्हे कार्बन से, एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन्स. ठीक है, सेकेंडरी में क्या आएगा बेटा, अगर मान लो जिस कार्बन के साथ हेलोजन हमारा अटैच है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच हो, CH3 और CH, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो फर्दर अटैच हो किन्हें कार्बन से, दो कार्बन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी. अब ये जो कार्बन चैन है ना, जो इस कार्बन के साथ अटैच है, उसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कार्बन चैन में भी कितने कार्बन हो सकते, लेकिन ये जो कार्बन है वो फर्दर दो ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी. और लास्ट क्या आता है बेटा, टर्शियरी हेलो एल्केन. टर्शियरी हेलो एल्केन में ध्यान क्या रखना है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन हमारा अटैच है वो फर्दर किन्ने कार्बन से, तीन कार्बन से, फर्दर किन्ने कार्बन से, तीन कार्बन से अगर अटैच है, तो इस टाइप के हेलो एल्केन को हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी हेलो एल्केन. समझ में आया है नहीं. प्राइमरी में होगा क्या, जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से, सेकेंडरी में जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो दो कार्बन के साथ, और टर्शियरी में जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन अटैच है वो फर्दर अटैच है तीन कार्बन से, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी हेलो एल्केन. ठीक है, अब इसी में एक आता है बेटा सुपर प्राइमरी हेलो एल्केन. क्या आता है, सुपर प्राइमरी हेलो एल्केन, सुपर प्राइमरी. इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा, जैसे हमारे पास CH3Cl है, CH3Br है, ये दो है. अब जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है ना, ना तो वो एक से अटैच है फर्दर, ना किसी दो कार्बन से अटैच है, ना फिर किसी तीनों कार्बन से अटैच, मतलब वो फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है. जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो फर्दर किससे अटैच नहीं है, किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सुपर प्राइमरी हेलो एल्केन्स. क्या बोलेंगे, सुपर प्राइमरी हेलो एल्केन्स. इतना समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बेटा.
ठीक है, कर लोगे। अब आती है बेटा जो मोनो हेलो एल्केन है उनकी नेमिंग। नेमिंग ऑफ मोनो हेलो एल्केन। जाते बेटा नेमिंग ऑफ मोनो हेलो एल्केन। अगर मोनो हेलो एल्केन की नेमिंग की बात करें तो हमारे पास जनरल होता है बेटा आरएक्स। क्या होता है? आरएक्स। अब दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, कॉमन सिस्टम और दूसरा क्या होता है? आईपीएक्स सिस्टम। दूसरा क्या होता है बेटा हमारा पास? आईपीएक्स सिस्टम। अगर कॉमन सिस्टम की बात करें तो हमने पढ़ा था जो मोनो हेलो एल्केन है इनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड। ठीक है। और आईपीएक्स सिस्टम में हमने इस क्या बोला था? हेलो एल्केन। क्या बोला था? हेलो एल्केन। ठीक है। तो कॉमन सिस्टम इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड और आईपीएक्स सिस्टम इनको क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन। इतना समझ में आया नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है। अब हम अगर बात करें बेटा तो ध्यान क्या रखना है हमें, जैसे कि हमारे पास आर ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? एल्काइल। और एक्स को क्या बोलेंगे? हैलाइड। इसमें कॉमन सिस्टम में, आईपीएक्स सिस्टम में पहले नेमिंग हैलोजन को, जो है जो भी हैलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। हेलो प्लस जो आर ग्रुप है उसको बोलेंगे एज ए एल्केन। ठीक है। जैसे कि हमारे पास है बेटा CH3Cl, यहां पे कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। आईपीएक नेम के अकॉर्डिंग वाल क्या बोलेंगे? हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। तो क्या? क्लोरो। और एल्केन कौन सा है? मीथेन। क्लोरो मीथेन। ऐसे ही CH3CH2Cl कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? इथाइल है। कौन सा है बेटा? इथाइल। तो क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड और क्लोरो इथेन। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, इतना समझ में आया है नहीं? आया ना? ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो कंपाउंड है CH3 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 और Cl। अगर यहां पे एल्काइल ग्रुप देखें तो कौन सा है? टर्शियरी ब्यूटाइल है। क्या है हमारे पास एल्काइल ग्रुप? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीएक नेम क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन चैन में कितने कार्बन? तीन। और जो क्लोरीन की पोजीशन वो किस पे? टू पे। और मिथाइल की पोजीशन क्या है? टू पे। तो क्या बनेगा? टू मिथाइल क्लोरो, टू मिथाइल टू क्लोरो प्रोपेन। टू मिथाइल टू क्लोरो प्रोपेन। इतना समझ में आया है नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है। तो ये क्या थी बेसिकली नेमिंग किसकी? मोनो हेलो एल्केन्स की। ठीक है। समझ में आया है नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ, कर लोगे ये? जल्दी से बताओ बेटा, कर लोगे क्या?
ठीक है, कर दो इसको रब। ठीक है, अब अभी तक तो हमने देखा था बेटा, ये जो हमारा हैलोजन था ना, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच था, वो अभी तक क्या था हमारा, sp3 कार्बन के साथ अटैच, किसके साथ अटैच था, sp3 कार्बन। ठीक है, तो जो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन, नॉर्मली मोनो हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक तरीके से बेटा ऐसे भी होता है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच, क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp3 है या फिर sp, समझ में आया है नहीं। तो अगर हम बात करें, मान लो हम क्लासिफिकेशन फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि ये जो कार्बन है ना हमारा जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो कैसा हाइब्रिडाइज है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज, कैसा हाइब्रिडाइज है, sp। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा है अभी हेलो एल्केन्स, क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन्स। इसमें वेरिएशन क्या आएगा, अगर कोई बात करे कि इसमें वेरिएशन क्या आएगा, बता सकता है कोई, तो वेरिएशन क्या आएगा, अभी पढ़ा है हमने हेलो एल्केन्स, फर्स्ट आता है बेटा अलाइलिक हेलो एल्केन्स, क्या आता है अलाइलिक, सेकंड आता है बेंजाइलिक, और थर्ड आता है प्रोपारगिल। ठीक है, फर्स्ट आता है अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपारगिल। अलाइलिक में बात करें तो इसमें होता क्या है, जैसे होगा क्या बेटा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, हाँ या ना, वो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन ये जो कार्बन है वो फर्दर अटैच होगा किसके साथ बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब एल्कीन टाइप यूनिट के साथ, किसके साथ अटैच होगा, एल्कीन टाइप यूनिट के साथ। एल्कीन का जो कार्बन है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो तो क्या है sp3 है, क्या है sp3, लेकिन ये जो कार्बन है वो क्या है sp2, क्या है sp2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइलिक में क्या होगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो तो क्या होगा sp3 होगा, लेकिन ये फर्दर अटैच होगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, फर्दर किसके साथ अटैच होगा, बेंजीन रिंग के साथ, मतलब ये कार्बन, ये जो कार्बन है ना वो फर्दर अटैच किसके साथ है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ, किसके साथ अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ, समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। प्रोपारगिल में क्या होगा बेटा, जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन अटैच है वो तो क्या है sp3 है, लेकिन ये फर्दर अटैच होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब ये कार्बन कैसा है sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, समझ में आया नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है, ध्यान क्या रखना है, अगर पहले तो ये ध्यान रखना है, ये जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो क्या हमारा sp3 है, अब ये जो कार्बन है जो sp3 है वो फर्दर अटैच है एक बार तो एल्कीन के कार्बन से, दूसरा किससे अटैच है, बेंजीन के कार्बन से, और थर्ड किसके अटैच है, एल्काइन वाले कार्बन से, समझ में आया या नहीं, आया ना। तो sp3 कार्बन के अकॉर्डिंग जो हेलो एल्केन है वो तीन टाइप के होते हैं, अलाइलिक,
बेंजाइलिक और प्रोपारगिल, अलाइलिक बेंजाइलिक और प्रोपारगिल। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना जल्दी से बताओ। ठीक है, ऐसे ही दो चीजें और आती है बेटा, दो जब जो हमारा हैलोजन है जिस कार्बन के साथ अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है ये, वो कैसा हो? sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा हो बेटा? sp2। तो उसमें आएंगे कौन कौन से आएंगे? विनाइलिक और दूसरा क्या है बेटा? अराइल हैलाइड। एक तो आएगा विनाइलिक और एक क्या आएगा? अराइल हैलाइड। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना जल्दी से बताओ। विनाइलिक की बात करें तो ध्यान क्या रखना है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो एल्कीन का हिस्सा है, जैसे C डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? Cl और यहां पे CH3। ये जो कार्बन है वो किसका हिस्सा है? एल्कीन का हिस्सा है। अराइल में क्या होगा? जो हैलोजन है वो डायरेक्ट किसके साथ अटैच होगा? बेंजीन रिंग्स। हैलोजन किसके साथ अटैच होगा? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से। अब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज और ये भी क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज। समझ में आया नहीं? तो ये क्या था? जनरल क्लासिफिकेशन था किसका? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। ठीक है, कर लोगे? हाँ या ना जल्दी से बताओ। ठीक है, अब आता है बेटा डाई हेलो एल्केन्स। क्या आता है? डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब देखो नॉर्मली नेमिंग तुम्हें मोनो हेलो एल्केन की तो आनी चाहिए बोर्ड ऑफ पॉइंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई बार जो डाई हेलो एल्केन्स है वो भी आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ये काफी बार आता है डाई हेलो एल्केन्स। नेमिंग नहीं आती तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड आ जाता है। जो हमारे डाई हेलो एल्केन उसमें होगा क्या? जो हमारा आर ग्रुप है कोई भी लगा लो उसके साथ दो हेलोजन अटैच होंगे। अब ये दोनों हेलोजन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो आर ग्रुप है उसके साथ क्या होंगे? टू हेलोजन एटम अटैच होंगे। किसमें? डाई हेलो एल्केन्स। अब डिफरेंस क्या आता है बेटा? अब दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो क्या हो CH3CH Br और Br ऐसा टाइप हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? CH2 CH2 Cl और Cl, मतलब दोनों के दोनों हैलोजन क्या हो? एट सेम कार्बन। दूसरा क्या है? एट एडजेसेंट कार्बन और एक आता है एट टर्मिनल कार्बन। जैसे कि CH2 CH2, अब इसमें कितने भी एन आ सकते हैं? NCH2 और Cl और Cl। एन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो अगर हम बात करें जब दोनों के दोनों हैलोजन किस पे अटैच हो बेटा? एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। किसके साथ अटैच हो? एक ही कार्बन के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? अरे जल्दी बताओ,
इसको बोलेंगे बेटा जेमिनल डाइहैलाइड, क्या बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जब एडजेसेंट कार्बन पे हो तो इसको बोलेंगे बेटा विशिनल, और जब टर्मिनल पे हो तो इसको बोलेंगे पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। अगर हम नेमिंग की बात करें, किसकी बात करें बेटा, नेमिंग की बात करें, तो इनको बोलते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इनको, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। ये है, इसको बोलेंगे एल्काइलिन डाई हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलिन डाई हैलाइड। उसको हम टर्मिनल हैलाइड भी बोलते हैं और पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड, टर्मिनल भी और पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड। जैसे कि हमारे पास CH3CH BRBR, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाई क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड। समझ में आया या नहीं, आया ना जल्दी से बताओ। तो ये क्या था आज की क्लास में, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था किसका, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्काइन्स और उनकी नेमिंग। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। तो ये सारा का सारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। ठीक है, कर लोगे ये, हाँ या ना जल्दी से बताओ बेटा, अच्छे से समझ में आया है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा क्या करेंगे, जो मोनो हेलो एल्केन है उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही जो हेलो एरिन्स है, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक में क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, उनकी जो जनरल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही उनकी प्रिपरेशन की, प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं मोनो हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें किसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है।